दोस्तों, वैसे तो आपने महाभारत जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको याद है कि द्रौपदी ने आखिर क्यों और कैसा श्राप दिया था कुत्तों को, जिसकी सजा ये आज तक भुगत रहे हैं? अगर नहीं याद है तो आज हम आपको इसका पूरा इतिहास बताने वाले हैं कि आखिर द्रौपदी ने ऐसा क्या श्राप दिया कुत्तों को, जिसकी सजा ये कलयुग में भी भुगत रहे हैं। आज हम आपको इस बारे में एक रोचक कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। दोस्तों, बहुत से लोगों को पता होगा कि द्रौपदी के श्राप के कारण ही कुत्ते खुले में सहवास करते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि द्रौपदी ने आखिर क्यों और कौन सा श्राप दिया था कुत्तों को, जो इसकी सजा आज तक ये भुगत रहे हैं? अगर नहीं पता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आज हम आपको इसका पूरा इतिहास बताने वाले हैं कि आखिर द्रौपदी ने ऐसा क्या श्राप दिया था, जिसकी सजा कुत्ते कलयुग में भी भुगत रहे हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है द्रौपदी विवाह से। अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर उन्हें अपने घर लाते हैं, तो माँ कुंती ने अनजाने में ही यह कह दिया कि जो भी वो लाया है उसे सभी भाई आपस में बांट कर उसका उपयोग करेंगे, और इसी वजह से पांचों भाइयों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। दरअसल दोस्तों, जो हकीकत है वो सत्य से कहीं ज्यादा है, और जो आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, यह सब भगवान महादेव का रचा हुआ खेल था। द्रौपदी ने भगवान शिव जी की पूजा करके उनसे वरदान मांगा था कि उन्हें बल, बुद्धि, कौशल, शौर्य और नैतिकता में परिपूर्ण वर चाहिए, लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका। हर किसी न किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती थी, और इसी वजह से द्रौपदी को ये सारे गुण उनके अलग अलग पतियों से मिले, और इसी कारण द्रौपदी को पांच पांडवों से शादी करनी पड़ी थी। दोस्तों, जब अर्जुन द्रौपदी को शादी करके घर लाए थे तो इसी कारण अनजाने में माँ कुंती के मुंह से ये निकल गया कि इसे आपस में बांट लो, और अपनी माँ कुंती का मान रखने के लिए पांडवों को द्रौपदी से शादी करनी पड़ी। और इसके बाद पांडवों में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ द्रौपदी अपना समय व्यतीत करेगी, और जो कोई भी इस निर्णय का दुरुपयोग करेगा उसे एक वर्ष तक वनवास जाना होगा। और जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होगी तो दूसरे पांडवों को उस कक्ष में जाना वर्जित था। दोस्तों, इसी दौरान एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से कुत्तों को यह श्राप मिला कि सहवास करते समय उनको पूरी दुनिया देखेगी। पांडवों ने नियम बनाया हुआ था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करेगा तो वो अपनी पादुकाएं द्वार पर उतार दिया करता था, ताकि उसके भाई पादुका देखकर कक्ष में प्रवेश न करे। परंतु एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार कर द्रौपदी के साथ कक्ष में बैठे हुए थे, तभी द्वार पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वो पास के जंगल में जाकर खेलने लगा। दोस्तों, इसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं है, और वो द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह से भीम को अपने कक्ष में देखकर द्रौपदी काफी शर्मिंदा और क्रोधित हुई। उसने भीम से कहा कि उसने कक्ष में प्रवेश कैसे किया जबकि अर्जुन उनके कक्ष में है। इस पर भीम ने बताया कि बाहर कोई पादुका द्वार पर नहीं रखी है। दोनों भाई कक्ष के बाहर आए और उन्होंने पादुकाओं को खोजना शुरू कर दिया। दोस्तों, ढूंढते ढूंढते वे पास के जंगल में पहुंच गए और उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा है। द्रौपदी ये देखकर बहुत ही लज्जित और क्रोधित हो गई तथा उसने क्रोध में आकर कुत्तों को यह श्राप दे दिया कि जैसे भीम ने आज मुझे अर्जुन के साथ प्रेम करते हुए देखा है, वैसे पूरी दुनिया तुम्हें सहवास करते हुए देखेगी। दोस्तों, तभी से माना जाता है कि कुत्ते सहवास करते समय लोक लज्जा की चिंता नहीं करते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।